आज कॉल क्रॉप्स की अगली क्रॉप है जो आ रही है ब्रोकोलाई। ये भी कॉल क्रॉप्स ग्रुप की ही एक क्रॉप है और इन दिनों इसका काफ़ी प्रचलन बढ़ रहा है व्यावसायिक खेती के रूप में। और क्रॉप कॉल क्रॉप्स कॉलीफ्लावर से लगभग मिलती जुलती फसल है बिल्कुल। और ब्रोकोलाई प्रोड्यूस ए काइंड ऑफ हेड कंसिस्टिंग ऑफ विच ग्रीन और पर्पल बर्ड्स एंड थिक फ्लेसी फ्लावर स्टॉक्स, यानी कॉलीफ्लावर की तरह इसका हेड होता है जो कि पर्पल बैंगनी और ग्रीन कलर का होता है, जबकि कॉलीफ्लावर में वाइट कलर का होता है। इसकी जो टर्मिनल बर्ड होती है वो कॉलीफ्लावर की तुलना में थोड़ी सी लूज होती है और हरे और बैंगनी कलर की होती है, ग्रीन और पर्पल कलर की होती है। हालांकि स्प्राउट ब्रोकलाई की कॉमर्शियली कल्टीवेशन इन दिनों कम है, लेकिन फिर भी बड़ी सिटीज़ के आसपास होटल सप्लाईज के लिए इसकी बड़ी मात्रा में मांग बनी रहती है, इसलिए इसका वर्तमान में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के रूप में इसको बड़े शहरों के आसपास सप्लाई करने के लिए, बड़े शहरों में सप्लाई करने के लिए उगाया जाता है। इसकी कॉल क्रॉप्स में अन्य फसलों के साथ साथ काफ़ी रिच वैल्यू होती है ये, यानी इसमें न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी रिच है, जिसमें आयरन 205 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम खाए। यदि हम ब्रोकोलाई को 100 ग्राम का खाते हैं, हम 100 ग्राम ब्रोकोलाई, तो हमें 205 मिलीग्राम आयरन मिलता है, विटामिन ए मिलता है 9000 इंटरनेशनल यूनिट, थायमिन मिलती है 33 मिलीग्राम और विटामिन सी मिलता है 137 यानी 137 ग्राम। इस तरह देख सकते हैं कि ये काफ़ी न्यूट्रिशन वाली, काफ़ी पोषण वाली क्रॉप है कॉल क्रॉप्स में ब्रोकोलाई। अब इसकी कल्टीवेशन मोर और लेस कॉलीफ्लावर की तरह ही है, जैसे कॉलीफ्लावर में इरीगेशंस है, इंटरकल्चर ऑपरेशन है, इंसेक्ट पेस्ट है, डिजीज है, वो सारी चीज़ें जो कॉलीफ्लावर के सेम है इसमें ब्रोकोलाई में भी। तो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ वेराइटीज जो इसकी जातियाँ हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ बर्ड्स, जो हेड का कलर होता है उसके आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं इसको, वाइट, ग्रीन और पर्पल, जिसमें से ग्रीन और पर्पल ज़्यादा पसंद की जाती है। वाइट का थोड़ा सा कम होता है क्योंकि वाइट है जो जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर की तरह हो जाती है, इसलिए उसका बाज़ार भाव ब्रोकोलाई के रूप में नहीं मिल पाता। तो ग्रीन और पर्पल कलर की वैरायटियों का ज़्यादा प्रकोप करते हैं। तो ये तो होगी ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ बर्ड्स, वाइट, ग्रीन और पर्पल, और ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी यानी पकने के परिपक्वता की अवस्था के आधार पर जो इसको ब्रोकोलाई को विभाजित करेंगे वह तीन भागों में करेंगे इसमें, जिसमें अर्ली जो कि 60 से 70 दिन में तैयार होती है, 60 से 70 दिन में तैयार होती है, और इसकी वैरायटियां है डीसोई, डी सिको, ग्रीन बर्ड, सप्रेटेन अर्ली और पंजाब ब्रोकोलाई वन। ये है चारों वैरायटियां जो अर्ली क्रॉप है 60 से 70 दिन में। मिड सीजन क्रॉप है जो 100 दिन में तैयार होती है, ग्रीन स्प्राउटिंग मीडियम, ग्रीन स्प्राउटिंग मीडियम मिड सीजन क्रॉप है जो 100 डेज लेती है, और तीसरी लेट वैरायटी जो 120 दिन लेती है उसमें आती है ग्रीन स्प्राउटिंग लेट। तो यानी कि जैसे इसके नाम से स्पष्ट होता है, ग्रीन स्प्राउटिंग मीडियम 100 डेज और ग्रीन स्प्राउटिंग लेट 120 दिन। तो ये इसकी कुछ जातियाँ हैं। और भी जो इसकी वैरायटी है पूसा ब्रोकोलाई, यानी IRI नई दिल्ली से जो निकली गई है पूसा ब्रोकोलाई, KTS1 भी बोलते हैं इसको, इट हैज ए मीडियम साइज प्लांट्स, मध्यम आकार का पौधा होता है, लीव्स डार्क कलर, पत्तियाँ गहरे रंग की होती है, और फील्ड हेड्स विथ स्मॉलर ग्रेन्स। अब आप जब जब लेक्चर के साथ मैं इसके फोटोग्राफ्स डालूंगा, आप जब देखेंगे तो ऊपर हेड के ऊपर ग्रेन से दिखाई देते हैं छोटे 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 छोटे, तो वो स्मेलर होते हैं इसमें, स्मेलर साइज़ के।
तो ये है कि पूसा ब्रोकोलाई, दूसरी है पाम, दूसरी है पाम समृद्धि, पालम समृद्धि, सॉरी PALAM पालम समृद्धि DPDGR1, तो उसको पालम समृद्धि स्प्राउटिंग टाइप है ये। टर्मिनल हेड्स स्प्राउट आल्सो अपीयर फ्रॉम द एक्सिलोप लीव्स, पत्तियों के साथ में टर्मिनल हेड निकलता है। विथ सप्लीमेंटेड एडिशनल यील्ड एट लेटर स्टेज, जो कि बाद में इसकी उपज ज़्यादा मिलती है। स्प्राउट्स आर ग्रीन, जो इसके ऊपर जो स्प्राउट्स होते हैं इसके हेड में वो ग्रीन होते हैं, टेंडर मुलायम होते हैं, न्यूट्रिशन विथ बेटर फ्लेवर, खुशबू इसकी अच्छी आती है। ईच टर्मिनल हेड वेट 400 ग्राम, यानी एक हेड होता है जो इसका लगभग 400 ग्राम का होता है। तो ये इसकी कुछ जातियाँ। इसकी कल्टीवेशन जैसा मैंने कहा जस्ट लाइक कॉलीफ्लावर ही होती है, पर फिर भी इसका जो इट इज़ ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन इन प्लेन्स, भारत के उत्तरी मैदानों में यह सर्दी के मौसम में उगाई जाती है। इट रिक्वायर्स 25-30 डिग्री टेम्परेचर फॉर सीड जर्मिनेशन, बीजों के अंकुरण के लिए 25-30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 16-20 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी वृद्धि और विकास के लिए तापमान की आवश्यकता होती है। लेकिन फिर भी ये 10-24 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसका अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो अगस्त से अक्टूबर इज़ द ऑप्टिमम टाइम ऑफ सोइंग इन नॉर्थ इंडिया। इस तापमान को देखते हुए अगस्त से अक्टूबर के बीच में इसको नॉर्थ इंडिया उत्तरी भारत के मैदानों में बो सकते हैं। हाउ एवर सोइंग शुड बी डन इन मार्च एंड जुलाई अगस्त इन हिल्स। वैसे तो यह तापमान जो पहाड़ी प्रदेश है उसमें मार्च और जुलाई के महीने में मिल जाता है, तो वहाँ पर उस समय इसको ग्रो कर सकते हैं। लेकिन उत्तरी भारत के मैदानों में इसको अगस्त से अक्टूबर में बुआई की जाती है। सीडलिंग्स ऑफ अबाउट 300-400 ग्राम सीड्स, 300-400 ग्राम बीजों से जो नर्सरी तैयार करते हैं हेक्टर के लिए वह इसके लिए पर्याप्त होते हैं, यानी 300-400 ग्राम बीज पर्याप्त होते हैं इसके एक हेक्टर के लिए। और जो जैसे अन्य फसलों की तरह सैंडिलोमी ऑर्गेनिक वाली मैटर इसकी, जिसमें जल निकास अच्छा हो, मिट्टी अच्छी मानी जाती है, पीएच मान जिसका 6 से 6.8 तक हो, और सूटेबल कंडीशन ऑफ ब्रोकोलाई अप्लाई 300-350 क्विंटल FIM। थोड़ा सा खाद उर्वरक इसमें ज़्यादा चाहिए तो 300-350 क्विंटल गोबर की खाद, 100-150 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80-100 किलोग्राम फास्फोरस और लगभग 100-120 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर इसकी अच्छी यील्ड प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। गोबर की पूरी खाद एंटायर क्वांटिटी ऑफ FIM, आधा नाइट्रोजन, हाफ ऑफ नाइट्रोजन और फुल फास्फोरस और पोटास को खेत तैयार करते समय ही मिला देते हैं मिट्टी में, और जो बाद की जो नाइट्रोजन की डोज बचती है उसको दो भागों में बांट करके, यानी बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा को इनटू स्प्लिट डोजेज दो भागों में बांट करके 30 और 45 दिन बाद, यानी नर्सरी को खेत में जब ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं तो 30 दिन बाद में, और आधी बची हुई मात्रा को 45 दिन बाद में खेत में देते हैं। अबाउट 70-80 स्क्वायर मीटर नर्सरी एरिया इज सफिशियंट टू प्लांट 1 हेक्टर एरिया, लगभग 60-70-80 स्क्वायर मीटर का एरिया 1 हेक्टेयर में पौधों की रोपाई के लिए पर्याप्त होता है। और 4-6 वीक्स ओल्ड हेल्थी सीडलिंग्स, 4 से 6 सप्ताह पुराने पौधों को खेत में ट्रांसप्लांटिंग करते हैं 60x45 सेंटीमीटर के अंतर पर। और क्रॉप इज रेडी फॉर हार्वेस्टिंग लगभग 65 से 70 दिन में, ट्रांसप्लांटिंग के 65 से 70 दिन बाद क्रॉप या हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जैसा कि इसकी वैरायटियों में बताया 60-65 दिन और 120 दिन तक तैयार होती है। द टेंडर ब्रांचेज कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल हेड्स आर कट अलोंग विथ फ्यू लीव्स एंड स्टेम्स, गोभी की तरह इसकी जो मुलायम ब्रांचेज के साथ में इसका जो हेड होता है उसको काटा जाता है और थोड़ा सा उसके स्टेम भी रखा जाता है 6 से 8 सेंटीमीटर गोभी के फूल की तरह, विद दी कुछ पत्तियाँ भी उसके साथ रखेंगे विद दी हेल्प ऑफ स्कल्स एंड चाकू की सहायता से ढंग से काटेंगे। द हार्वेस्ट
ड्यूरेशन वेरी फ्रॉम 30 to 45 डेज, लगभग 30 से 45 दिन बाद, यानी जब 60 से 65 दिन के बाद में फसल आना शुरू होती है तो लगभग 1 महीने तक उसकी कटाई चलती रहती है, ड्यूरेशन होता है जो, और लगभग 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर्स इसकी उपज प्राप्त हो जाती है स्प्राउटिंग ब्रोकलाई की। तो इस तरह से ये कोल क्रॉप्स की ही फसल है, कॉलीफ्लावर से लगभग मिलती जुलती है, इसका हेड कॉलीफ्लावर से मिलता जुलता होता है, पर ये ग्रीन कलर का और कहीं कहीं पर्पल कलर का होता है। सलाद के रूप में, सब्जी के रूप में, अन्य उपयोग में भी ग्रैनिया इसका काफ़ी प्रयोग करती है, और न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण फसल है। अभी इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है उत्तरी भारत में, परंतु बड़े सिटीज़ के होटल्स के पर्पज़ से इसके काफ़ी बड़ी मात्रा में इसका प्रयोग किया जाता है।